गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर है। जो 2016 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपको आया था बोर्ड की तरफ से, उसी के सॉल्यूशंस हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में कर रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम जो क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से है कि कपल्ड एम्पलीफायर सूटेबल फॉर इम्पीडेंस मैचिंग इज डायरेक्ट कपल्ड, आरसी कपल्ड, एलसी कपल्ड और ट्रांसफार्मर कपल्ड। डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग यूज की जाती है कपल्ड इसमें पावर एम्पलीफायर्स में। तो जो मैचिंग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कौन सी युक्ति यूज की जाती है, ये वो पूछ रहे हैं। तो इसमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कपलिंग, जो बेस्ट कपलिंग ट्यूनिंग जिसको ये बोल रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी युक्ति है जिसके अंदर पावर जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफ़र होती है, यानी इम्पीडेंस जब मैच होगा किसका, कि एम्पलीफायर का आउटपुट जब दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट को उस दिया जाता है, तो दोनों का अगली स्टेज का इनपुट इम्पीडेंस और पहली स्टेज का आउटपुट इम्पीडेंस अगर बराबर होगा तो पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी। ये हम जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से। तो ये वही कह रहा है कि ऐसी कौन सा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं इस काम के लिए। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ट्रांसफार्मर कपल्ड, क्योंकि ट्रांसफार्मर कपल्ड में क्या किया जाता है कि जो एम्पलीफायर होता है उसके जो कलेक्टर साइड होती है, इस कलेक्टर साइड पे जो रेजिस्टेंस आरसी हम लोग क्लास ए पावर एम्पलीफायर या कन्वेंशनल पावर एम्पलीफायर में हम यूज़ कर रहे थे, तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर कपल में आरसी जो कलेक्टर रेजिस्टेंस होता है उसको हटा कर उसकी जगह ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कलेक्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, और जो भी रेजिस्टेंस हम उस ट्रांसफार्मर की दूसरी साइड लगाते हैं उसके कारण अगली स्टेज का इनपुट इम्पीडेंस के इक्वल उस रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं जिससे वो इम्पीडेंस मैचिंग हो जाती है। इसलिए ट्रांसफार्मर कपल्ड इसका बेस्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ क्लास ए पावर एम्पलीफायर क्या है। ये हम आसानी से जानते हैं कि जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर है उसके अंदर सिग्निफिकेंट पावर लॉस, यानी बहुत सारी पावर कलेक्टर लोड के अक्रॉस जो आरसी रेजिस्टेंस है, जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस बहुत सारी पावर लॉस हो जाती है, क्योंकि क्लास ए पावर एम्पलीफायर का जो कंडक्शन एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और कंडक्शन एंगल 360 डिग्री का मतलब ये है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो पूरे इनपुट के लिए कंडक्ट करेगा, यानी कि इनपुट सिग्नल जीरो से लेके मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम से वापस जीरो जब तक आएगा, जब तक भी वो कंडक्ट करेगा, तो वो कंटिन्यूस कंडक्शन के कारण उसकी पावर कंटिन्यूसली कलेक्टर के अक्रॉस लॉस होती रहती है। इसलिए उसकी जो पावर एफिशिएंसी है क्लास ए पावर एम्पलीफायर की वो, क्योंकि एफिशिएंसी का फार्मूला हम जानते हैं कि जो पावर एफिशिएंसी होती है वो पी ए सी मैक्स डिवाइडेड बाई पी डी सी, यानी ए सी पावर जो मैक्सिमम कितनी है उसको अगर हम डी सी पावर से डिवाइड कर दें तो उसकी एफिशिएंसी आती है। तो जो क्लास ए पावर एम्पलीफायर की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी डेरिवेशन करने के बाद क्लास में जैसा हमने पढ़ा था वो आई थी 25%। तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू है 25%, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास ए पावर एम्पलीफायर में मैक्सिमम एनर्जी डिसिपेशन कब होगा। जो मैक्सिमम जो पावर डिसिपेशन क्लास ए पावर एम्पलीफायर में होगा उस वो होने के लिए जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट की जो पीक वैल्यू है यानी मैक्सिमम इनपुट जो है वो अगर हमारा वीसीसी के बराबर होता है तो उस टाइम पर हमारे जो पावर लॉस है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आता है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट इन क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर क्या है। ये चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो जो एवरेज वैल्यू की जो बात आती है वो इसलिए आती है क्योंकि हमें पता है कि क्लास बी पावर एम्पलीफायर के अंदर जो कंडक्शन एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री कंडक्शन एंगल का मतलब होता है, 180 कंडक्शन का मतलब होता है कि आपकी हाफ साइकिल के दौरान कंडक्शन होगा और हाफ साइकिल के दौरान आउटपुट आपको नहीं मिलेगा,
यानी जब आपकी पॉजिटिव इनपुट आएगी, ये अगर आपका इनपुट है, उस दौरान जो आपका आउटपुट रहेगा केवल पॉजिटिव के दौरान आपको आउटपुट मिलेगा, ये नेगेटिव के दौरान नहीं मिलेगा। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है, अभी हमें पता है कि अगर ये करंट आई या आउटपुट करंट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई एम है, तो जो आपका एवरेज वैल्यू हो जाएगा वो एवरेज वैल्यू हो जाएगा क्या, आई एम या एम फॉर मैक्सिमम, आई मैक्स बाई पाई। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए आपका आई मीन्स कलेक्टर करंट, तो इन्होंने करंट कलेक्टर लिया हुआ है, तो आई सी मैक्स बाई पाई, तो आपका आंसर इसका जो सही है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिस्टोर्शन इंट्रोड्यूस इन ए आउटपुट सिग्नल ड्यू टू बायसिंग ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट एट कट ऑफ इन ए पावर एम्पलीफायर इज नोन एज, क्या बोलते हैं, ये इसका आंसर बताना है। तो ये जो डिस्टॉर्शन होती है, हम जानते हैं कि जो पावर एम्पलीफायर जब हम पढ़े थे, तो पावर एम्पलीफायर्स में कई तरह की डिस्टॉर्शंस थी, जिसमें दो डिस्टॉर्शन मुख्य थी, दैट इज़ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन तो जो इनपुट सिग्नल है उनके जो उसके अंदर जो हम बीजेटी यूज़ करते हैं उसकी नॉन लीनियरिटी के कारण जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट पर आते हैं उनको हम हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि बायसिंग के कारण ऑपरेटिंग पॉइंट को हम जब कट ऑफ पर सेट करते हैं उसके कारण कौन सी डिस्टॉर्शन पैदा होती है। तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि क्या होता है कि हमारे ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्टेज चाहिए होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 0.7 वोल्टेज है, 0.7, तो जब तक हमारा इनपुट इस 0.7 तक नहीं पहुँचेगा आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना, कट ऑफ पर सेट अगर कर दिया तो, यानी कि आपका आउटपुट इतने वोल्ट तक तो आपको नहीं मिलेगा, केवल इसके बीच में मिलेगा। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं इनको बोलते हैं क्रॉसओवर्स। तो इस वाली डिस्टॉर्शन को का जो नाम रखा गया वो क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन बोलते हैं इसको, इसलिए सही जो आंसर रहेगा वो होगा क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। तो क्रॉसओवर मतलब आंसर सी। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन, और इनका सॉल्यूशन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, इसको ध्यान से समझें और आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।